एवरीवन वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि गेट का एग्ज़ाम बहुत पास में है, बहुत ज़्यादा पास में है। आप में से कई लोगों की डिमांड थी कि हम माइक्रोबायोलॉजी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं लाइक न्यूमेरिकल्स वगैरह तो वो लेके आएँ। तो वही सोच के आज जो वीडियो पे हम बात करने वाले हैं, जिस चीज़ पे जो डिस्कशन होगा, जो PYQs देखे जाएंगे वो सारे माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड न्यूमेरिकल PYQs जो अब तक आए हुए हैं उनको कवर किया जाएगा। तो अभी ऐसा है कि इस लेक्चर में BT और एक्सेल दोनों में आए हुए जो PYQs हैं न्यूमेरिकल रिलेटेड, जो नैट टाइप आते हैं या फिर ऑप्शनल आते हैं, उनको यहाँ पे कवर किया जाएगा। तो जल्दी से इसको शुरू करते हैं क्योंकि ठंड बहुत है और जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करना है। जल्दी जल्दी क्या, अपने को थोड़ा समझना भी है कि सबको समझ में आ जाए वैसे, पर अपने को ये सारा जो क्वेश्चन है वो सब कुछ जो है जल्दी जल्दी से कवर कर लेना है। और आप जितनी ज़्यादा PYQ की प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे, उतना ही बेटर आपका गेट का प्रिपरेशन होगा। तो स्टार्ट करते हैं अभी माइक्रोबायोलॉजी में। अब एक क्वेश्चन पूछा गया है गेट एक्सेल 2022 में, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एस्केरिया कोलाई ग्रोविंग अंडर फेवरेबल कंडीशन डबल इन एवरी 20 मिनट। क्या हो रहा है, एस्केरिया कोलाई के शेल्स जो हैं हर 20 मिनट में डबल हो जा रहे हैं। तो इफ द, क्या दिया हुआ है, इफ द इनिशियल नंबर ऑफ एस्केरिया कोलाई इज 100, व्हाट विल बी द लॉगरिथमिक नंबर ऑफ सेल्स एट 17th जनरेशन। तो हम सबको एक, अगर आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़े होंगे, वहां पे ग्रोथ काइनेटिक्स पढ़ा होगा आपने, तो आपने एक फॉर्मूला देखा होगा वहां पे, कौन सा, NT = N0 × 2 to the power N। ये फॉर्मूला आप सबने देखा होगा, आपको याद करनी है। और हो सकेगा तो मैं एक न्यूमेरिकल की जो फॉर्मूले हैं माइक्रोबायोलॉजी रिलेटेड उसकी एक शीट बना के टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगी, तो ये आपको और हेल्पफुल होगा, बहुत बेनिफिशियल होगा, ताकि आप जब भी एंड टाइम पे फॉर्मूले रिकॉल करना चाहोगे तो आप एक बार में, 2 बार में सारे फॉर्मूले एक साथ जो है वो ये रिकॉल कर पाओगे। और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इसलिए और ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार होता है कि जो नैट टाइप क्वेश्चन होते हैं उनमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो अगर आप उसको सही सही अटैम्प्ट कर जाते हो तो आपके निगेटिव मार्किंग तो होगी नहीं, प्लस आपको अगर वो सही हुआ तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन तरफ। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो सेल है ई कोलाई का सेल हर 20 मिनट में डबल हो जा रहा है, मतलब अगर वो n है तो 20 मिनट बाद क्या हो जा रहा है, 2n हो जा रहा है, मतलब उसके नंबर जो है डबल हो जा रहे हैं, जस्ट डबल हो जा रहे हैं। मतलब कि अगर वो 1 है तो अगले 20 मिनट में 2 हो जाएगा, और अगले 20 मिनट में वो 4, और अगले 20 मिनट में वो 8 हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ इसकी डबलिंग टाइम दे रखी है, वो है 20 मिनट। अब बोला गया है इनिशियल नंबर जो है ई कोलाई का 100 है, तो हम N0, ये फॉर्मूला जो है उसमें NT क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। N0 क्या है, इनिशियल नंबर ऑफ सेल्स, इनिशियल नंबर ऑफ सेल जो है वो N0 है। उसके बाद 2 to the power N, यहाँ पे N क्या है, नंबर ऑफ जनरेशन है, क्या है, नंबर ऑफ जनरेशंस। ओके, अब क्या है, NT हमसे पूछा गया है, और NT पूछा गया है, लेकिन पूछा गया है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, लॉगरिथमिक नंबर ऑफ सेल्स एट 17 जनरेशन। तो स्मॉल n की वैल्यू क्या दे रखी है, 17 जनरेशन। N0 इनिशियल नंबर क्या दे रखा है, 100 सेल्स दे रखे हैं, और NT अपने को निकालनी है। लेकिन काम हमारा यहीं खत्म नहीं हो जाएगा, NT निकालने पे ही काम खत्म नहीं हो जाएगा, क्योंकि NT निकाल के अगर हम डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे दे देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पूछा क्या है इसमें, क्वेश्चन में पूछा गया है लॉगरिथमिक नंबर ऑफ सेल्स एट 17 जनरेशन, मतलब हमें पहले तो NT निकालनी है, और NT निकाल के उसका लॉग लेना है। जब हम लॉग ले लेंगे NT निकालने के बाद, 17 जनरेशन तक NT निकालने के बाद उस नंबर का लॉग लेंगे, तब हमें लॉगरिथमिक नंबर ऑफ द सेल पता चलेगा। तो करना कैसे है, ये फॉर्मूले में NT हमें निकालनी है, N0 की जगह हम 100 रखेंगे, और 2 to the power N, N की जगह क्या रखेंगे, हमारे 17 जनरेशन कितना ये हो जाएगा 100 × 2 टू द पावर 17। अब यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो आपको है गेट का कैलकुलेटर यूज़ करना आना चाहिए। गेट का कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हो कैसे, मोबाइल में एक ऐप आता है गेट कैलकुलेटर, प्ले स्टोर पे डालोगे आप गेट कैलकुलेटर तो गेट कैलकुलेटर खुल के आएगा। आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए वो गेट कैलकुलेटर यूज़ करने की बार बार। तो अब यूज़ करना है अपने को गेट कैलकुलेटर, तो ये 2 टू द पावर 17 कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास यहाँ पे है, मैं यूज कर लूंगी, आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे करते हैं। अब हम देखेंगे कि ये कैलकुलेट होके क्या आता है। तो NT = N0 × 2 टू द पावर N हमने यूज किया, ये आया 100। N0 की वैल्यू क्या थी 100, 2 टू द पावर कितना रखा 17 रखा। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कुछ ये वैल्यू आएगी 13107200। आप कैलकुलेट करके देख लेना, यहाँ ये बस इतना मत सोचना कि वीडियो देख लिया तो हो जाएगा, खुद से साथ में वीडियो देखते देखते सॉल्व करते जाना। अब क्या है, अब क्योंकि मैंने बोला था कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सिर्फ एंटी नहीं निकालना है अपने को, एंटी के बाद उसका लॉग नंबर लेना है, तभी वो क्वेश्चन जो है वो सही होगा। तो यहाँ पे एंटी निकल आया हमारा 13107200। अब हमें इसका लॉग लेना है तभी लॉगरिथमिक नंबर आएगा और तभी वो क्वेश्चन जो है वो सही हो पाएगा। तो हमने क्या लिया, इसका लॉग, हमने इसका लॉग ले लिया। अब लॉग लेने से क्या हुआ, इसका आंसर जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 7.1। ओके, अब चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा What will be value of numerical aperture if half aperture angle is 58 degree and oil immersed objective is used for the process of light microscopy? फिर बोला है कि आंसर डेसिमल के 1 प्लेस तक देना है। दूसरी बात बोली गई है कंसीडर साइन 58 डिग्री इज इक्वल टू 0.85, साइन की वैल्यू दे रखी है एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। तो अपने को मालूम है कि एक फॉर्मूला है न्यूमेरिकल अपर्चर का n साइन अल्फा, जहां पे n क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.50, यानी कि n की वैल्यू दे रखी है 1.50। अब अपने पास साइन अल्फा की भी वैल्यू दे रखी है, साइन अल्फा की वैल्यू क्या दे रखी है साइन 58 डिग्री, साइन 58 डिग्री की भी वैल्यू निकाल के दे रखी है। यहाँ पे कितना इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम जस्ट फॉर्मूले पे पुट करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे साइन 58 की वैल्यू दे रखी है 0.85। अब इतना इजी क्वेश्चन आया है 2 मार्क्स में, कितना आसान है, कितना आसान, जस्ट फॉर्मूले पे पुट करो और निकल आएगा। तो फॉर्मूले पे आपको पुट कैसे करना है, Na की ही वैल्यू निकालनी है, तो Na = क्या हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 इंटू 0.85, ये पूरे साइन अल्फा टर्म की वैल्यू क्या दे रखी है 0.85, तो हमने क्या रख दिया 0.85। तो Na की वैल्यू क्या मिल जाएगी अपने को, मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो Na की वैल्यू मिल जाएगी आपको 1.2, क्या मिल रही है 1.2। तो आंसर में रेंज भी दे रखा है 1.2 से 1.3, तो हमारा आंसर जो है वो रेंज के अंदर है, तो ये करेक्ट है, सही है। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जीनोम ऑफ बैक्टीरियम एनकोड फॉर 10 डिफरेंट सरफेस एंटीजन व्हिच एक्सप्रेशन कैन बी टर्न ऑन एंड ऑफ रेंडमली एंड इंडिपेंडेंटली, द नंबर ऑफ पॉसिबल एंटीजेनिक कॉम्बिनेशन इज। अब इसमें पूछा है कि बैक्टीरिया का जीनोम है, उसमें क्या है कि 10 डिफरेंट सरफेस एंटीजन है, अलग अलग 10 सरफेस एंटीजन हैं और हर एंटीजन को जो एक्सप्रेस करने का जीन है वो ऑन भी हो सकता है ऑफ भी हो सकता है, रैंडम है इंडिपेंडेंट है, अपने को पता नहीं है कि कब ऑन हो रहा है कब ऑफ हो रहा है, बट 2 ही कंडीशन है ऑन एंड ऑफ। तो हमारे पास कंडीशन कितनी है 2, पहला क्या है ऑन दूसरा क्या है ऑफ। और कितनी तरीके से ये ऑन ऑफ हो सकता है, 10 डिफरेंट, क्योंकि 10 सरफेस एंटीजन है, 10 सरफेस ऑन या ऑफ हो सकते हैं। अब सपोज करो कि ये जो है बैक्टीरिया का जीनोम है, क्या है? बैक्टीरिया का जीनोम। अब ये जीनोम कितने, इसके पास 10 सरफेस एंटीजन है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 10 सरफेस एंटीजन है। और हमें बोला गया है कि ये ऑन भी हो सकते हैं और ऑफ भी हो सकते हैं। अब हर एक के पास दो कंडीशन है, ऑन या ऑफ, ऑन या ऑफ, और ऐसे कितने कंडीशन बनेंगे? 10। तो हमारे पास दो है, दो कंडीशन है, और ये दो कंडीशन कितनी बार बन रहे हैं? 10 टाइम्स बन रहे हैं। तो 2 का पावर 10 कैलकुलेट करो, कितना आएगा? 1024। ओके, दूसरा मेथड और है इसका, जो मैथ्स वाले बच्चे हैं, जो बायोटेक के बच्चे हैं, वो इसको आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास क्या है, कॉम्बिनेशन की, उनने कभी अपना पढ़ा होगा बीटेक में बायोटेक्नोलॉजी करते हुए। तो इसमें क्या है, कंडीशंस में सपोज किया जा रहा है कि हो सकता है कि सारे ऑफ हो, है ना, जितने जीन हैं उस जीनोम पे, वो जो 10 हैं उनमें से सारे ऑफ हो, तो 10 आउट ऑफ C सारे 0 हो रहे हैं, है ना। उसके बाद एक कॉम्बिनेशन है कि हो सकता है एक ऑन हो बाकी सारे ऑफ हो, तो हम उसको लिखेंगे 10C1। हो सकता है फिर इसके बाद कि 2 ऑन हो बाकी सारे ऑफ हो, तो ऐसा हो जाएगा 10C2। ऐसे ही हम सोचते चले जाएंगे कि 3 ऑन हो बाकी सारे ऑफ हो, 4 ऑन हो बाकी सारे ऑफ हो, तो इसको कैसे लिखेंगे? फिर इस तरह से लिखेंगे, 10C0 + 10C1 + 10C2 + 10C3। और ऐसे कॉम्बिनेशन जब आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1024। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इजी मेथड है ये वाला। अगर जिन्हें कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन नहीं पढ़ा होगा उनके लिए ये बहुत बेसिक और इजी मेथड है। जिन्हें कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन पढ़ा होगा उनको ये चीज समझ में आ जाएगी कि कॉम्बिनेशन कैसे निकालते हैं। तो मेजर जो यहाँ पे मेन चीज है वो ये है कि आपको कॉम्बिनेशन आना चाहिए, कि आप कॉम्बिनेशन कैसे कैलकुलेट कर रहे हो गेट के कैलकुलेटर पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेसिमल रिडक्शन टाइम फॉर रिड्यूसिंग 10^12 स्पोर्स ऑफ क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम टू 1 स्पोर एट 111 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी। पूछा है कि डी वैल्यू जो है, डी वैल्यू 111 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होगा, ठीक, ये पूछा है। मिनट्स में पूछा है, किस में पूछा है? मिनट्स में पूछा है। अब इसने एक और डी वैल्यू दे रखी है। डी वैल्यू आपको पता है कि टाइम किल करने का 1/10, स्पोर्स की काउंटिंग 1/10 रह जाए, इतना किल करने में, स्पोर्स को किल करने में जितना टाइम लगता है उसको हम डी वैल्यू बोलते हैं। कि जो भी वैल्यू है, इनिशियल नंबर है, उससे 1/10 स्पोर्स जो है वो जब बच जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं डी वैल्यू। तो अब डी वैल्यू को बढ़ाने, मतलब कम करना जरूरी होता है। अब डी वैल्यू को कम करने के लिए क्या करते हैं? टेम्परेचर बढ़ाते हैं। अब ये चीज मैं अभी बताऊंगी, पहले क्वेश्चन पूरा समझ लेते हैं। द डी वैल्यू इज 0.2 मिनट एट 121 डिग्री सेल्सियस। अब एक और चीज दे रखी है कि डी जो है 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी है, 0.2 मिनट दे रखी है। फिर बोला है द इंक्रीज इन टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू चेंज डी टू 1/10 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इज 10 डिग्री सेल्सियस। फिर एक टेम्परेचर दे रखा है जो कि है 10 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे बात ये कही जा रही है कि ये जो D1 की वैल्यू है, D2 उसके, उसमें क्या है, D2/10 करने पे D1 निकल जाएगी, ये चीज बोला जा रहा है। अगर इस सेंटेंस का मतलब हम समझे, द इंक्रीज इन टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू चेंज डी टू 1/10 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू कौन सा होगा? जो 111 डिग्री सेल्सियस पे था, मतलब 111 डिग्री सेल्सियस पे था। और D2 जो वैल्यू है वो किस पे दे रखी है, 0.2 मिनट दे रखी है, 121 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर चेंज दिया हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस, तो ऑब्वियस ही बात है 121 और 111 में कितना चेंज है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज है। तो ये कुछ वैल्यू दे रखी है, इनिशियल दी है 10^12 और फाइनल दी है 1/4, 10^12 से 1/4 लाने का, और टी की वैल्यू दी है 0.2 मिनट। तो अपने को मालूम है डी वैल्यू कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है। अब मैं एक बार बता देती हूँ कि डी वैल्यू क्या होता है, डी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या होता है। डी वैल्यू को जनरली बोलते हैं डेसिमल रिडक्शन टाइम। डेसिमल रिडक्शन टाइम मतलब कि डी वैल्यू जो है वो कुछ है नहीं, जस्ट टाइम है। टाइम को हम डी बोल दे रहे हैं, मतलब कुछ भी मिनट में है, आवर में है, उसको हम डी बोल देना है। तो डी वैल्यू कुछ है नहीं, बहुत बड़ी चीज नहीं है। डी वैल्यू क्या है, टाइम है। अब ये टाइम कौन सा है कि अगर हमारे पास 100 बैक्टीरिया हैं उनमें से हम 90 को किल कर देते हैं बाय एनी स्टरलाइजेशन मेथड। अगर हम 90 बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, हमारे पास बच जाए 10 बैक्टीरिया, है ना, 10 बैक्टीरिया। तो अगर इसको ऐसे कट करें तो कितना बचेगा, 1/10, मतलब 1/10 सर्वाइवल काउंट बच जाए और बाकी 90%, मतलब 90% बैक्टीरिया किल हो जाए और सिर्फ 10% बैक्टीरिया बचे, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इतना टाइम जितने में 90% किल हो जा रहा है और सिर्फ 10% बच रहा है, तो उस टाइम को हम बोलते हैं डेसिमल रिडक्शन टाइम। उसको कैलकुलेट करने के लिए ये कुछ फॉर्मूले होते हैं, ये आपको याद करनी होगी। अब जो मेन फॉर्मूला है उसमें ये और ये है, ये दोनों अलग फॉर्मूले नहीं है, एक दूसरे से ट्रांसफॉर्म होके बने हैं कि अगर टी की वैल्यू निकालनी है तो डी इधर कर दिया, डी की वैल्यू निकालनी है तो टी ऊपर चला जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। तो अब हुआ क्या है, अब हम क्वेश्चन वापस से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 111 डी वैल्यू दी हुई है, 111 पे अपने को निकालनी है। ओके, डी 121 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, कितना, 0.2 मिनट। तो ठीक है, हम 0.2 वाले मिनट पे डी टी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है हमारे को टी इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला अगर हम यूज कर लें, अगर ये फॉर्मूला हम यूज कर लें, ये टी इज इक्वल टू 0.2 मिनट इंटू लॉग की वैल्यू कितनी, 10^12 अपॉन 1। ओके, तो ये जब टी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगी 2.4, कितनी आ रही है, 2.4 मिनट आएगी। लेकिन ये जो वैल्यू आएगी वो 121 सेल्सियस पे आएगी। क्यों? क्योंकि ये 0.2 मिनट जो हमने वैल्यू रखी है इस फॉर्मूले में वो किसके लिए है, 121 डिग्री सेल्सियस के लिए है। तो ये जो वैल्यू निकल के आई है टी की वो किसके लिए है, 121 डिग्री सेल्सियस के लिए है। तो हमने पहले क्या देखा था, मैंने क्या कहा था कि इसमें बोला गया है कि द इंक्रीज इन टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू चेंज डी टू 1/10 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। डी को 1/10 ऑफ इनिशियल वैल्यू में चेंज करने के लिए इंक्रीज इन टेम्परेचर दिया है। तो मैंने एक रिलेशन निकाला था यहाँ पे कि D1 इज इक्वल टू D2/10। ओके, तो हमको D2 पहले कितना मिल गया है, D2 मिला है D1 मिला है 2.4। अब हम D2 निकाल सकते हैं कैसे, मल्टीप्लाई करके। तो 2.4 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। मतलब जो हमारा डी की वैल्यू ये मांग रहा है 111 डिग्री सेल्सियस पे, वो कितना हो जाएगा, 24 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है द जनरेशन टाइम ऑफ ई कोलाई इज 30 मिनट फॉर एन एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग कल्चर। द इनिशियल नंबर ऑफ बैक्टीरिया रिक्वायर्ड टू रीच अ नंबर ऑफ 10^9 इन 2 hours इज पूछा है, ठीक, और कितने राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक पूछा है। अब दिया क्या है, जनरेशन टाइम दिया है 30 मिनट। जनरेशन टाइम दिया है 30 मिनट, मतलब टी की वैल्यू दी हुई है और ये कितना हो रहा है, मतलब जनरेशन टाइम आधे घंटे में वो डबल हो जाएगा, जो भी उसकी क्वांटिटी होगी उससे डबल हो जाएगी। अब दिया है कि इनिशियल नंबर ऑफ बैक्टीरिया रिक्वायर्ड टू रीच अ नंबर ऑफ 10^9 इन 2 आवर्स। 10^9 ये आपको बोल दिया है कि एनटी की वैल्यू है। एनटी की वैल्यू क्या दे दी है? 10^9 की। ये फाइनल वैल्यू पहुंचने में कितना टाइम लगेगा और ये दे दिया है टोटल टाइमिंग आपको। ये डबलिंग टाइमिंग है टीडी, टोटल टाइम दे दिया है 2 आवर्स। तो सोचो कि अगर 30 मिनट में एक जनरेशन जो है वो पैदा हो रहा है, 30 मिनट में एक जनरेशन पैदा हो रहा है तो 2 आवर्स में कितने जनरेशन होंगे? 2 आवर्स में टोटल कितने मिनट होंगे? 2 आवर्स में टोटल होंगे 120 मिनट, है ना? 2 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 120 मिनट्स होते हैं। तो नंबर ऑफ जनरेशन हम निकाल सकते हैं T/TD करके, ठीक? तो T कितना है? 120 है, 120 मिनट्स है। और TD की वैल्यू कितनी दे रखी है? 30 मिनट। मतलब डबलिंग टाइम कितना है? 30 मिनट। 30 मिनट में दूसरा जनरेशन आ जा रहा है। तो टोटल कितने जनरेशन बनेंगे? आधे घंटे में पहला एक जनरेशन बना, फिर दूसरा आधा घंटा आया तो उसमें दूसरा जनरेशन बना, अब 1 घंटे हो गए। तीसरा आधा घंटा आया 30 मिनट, तो उसमें तीसरा जनरेशन बना। और चौथा आधा घंटा आया तो उसमें चौथा जनरेशन बना। 120 मिनट में कितने जनरेशन बनेंगे? 4। कैसे? अभी डिवाइड करके दिखा देती हूँ। 0 से 0 कट गया और 3 से 4 बार में गया, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 4। मतलब टोटल कितने जनरेशन हुए? 4 जनरेशन हुए, 4 जनरेशन हुए। अब अपने को एक फॉर्मूला पता है, NT = N0 × 2^n। अब अपने को 2^n की वैल्यू पता चल गई है 4। N0 की वैल्यू हमको मालूम नहीं है, इसने पूछी है। N0 की वैल्यू क्या पूछा है? द इनिशियल नंबर ऑफ बैक्टीरिया रिक्वायर्ड। क्या पूछा है? इनिशियल नंबर ऑफ बैक्टीरिया रिक्वायर्ड। तो ये हमको पूछा है। एनटी की वैल्यू दे रखी है। एनटी की वैल्यू कितनी दे रखी है? एनटी की वैल्यू दे रखी है कितनी? 10^9। एनटी की वैल्यू दे रखी है 10^9। तो अब अपन इसको कैसे निकालेंगे? ये फॉर्मूला हो गया हमारा NT = N0 × 2^n। N0 निकालना है तो N0 = क्या हो जाएगा? NT / 2^n। NT कितना है? NT है 10^9 और 2^, कितने जनरेशन आए थे? शुरू में हमने कैलकुलेट किया था 120 को 30 से डिवाइड करके 4 जनरेशन आ रहे हैं, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा? 4। अब इसको कैलकुलेट करोगे 10^9 अपॉन कितना होगा? 16 हो गया। अब पूरा कैलकुलेट करोगे तो आएगा ये 6.25। राउंड ऑफ करोगे 10^7 में। क्यों 10^7 में? क्योंकि यहाँ आंसर 10^7 में मांगा गया है। तो ये आपका ये क्वेश्चन निपट जाएगा। अब एक और क्वेश्चन पूछा गया, अंडर एनारोबिक फर्मेंटेटिव ग्रोथ कंडीशन 1 मोल ऑफ ग्लूकोज यील्ड 22 ग्राम ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस सिसैलिस और 8.6 ग्राम ऑफ Zymomonas mobilis. The molar growth yield for S. facialis and J. mobilis will be. अब क्योंकि अपने को मालूम है 1 मोल ग्लूकोज है, है ना? 1 मोल ग्लूकोज है, उससे अगर एनारोबिक, यहाँ पे क्या बोला है? एनारोबिक, एनारोबिक फर्मेंटेशन होता है तो कितनी एटीपी मिलती है? कितनी एटीपी मिलती है? 2 एटीपी मिलती है, 2 एटीपी मिलती है। अब एक बार और ये क्वेश्चन में बोला गया है कि बायोमास यील्ड निकालना है। पहला तो बायोमास यील्ड निकालना है, तो हमको मालूम है 1 मोल ग्लूकोज से 22 ग्राम ऑफ बायोमास मिल रहा है S. facialis का। तो ये हो गया 22/1, कितना हो जाएगा? टोटल 22 हो जाएगा। इसके बाद Zymomonas mobilis का अगर यील्ड निकालेंगे तो हमें यील्ड का फॉर्मूला यही तो पता है कि बायोमास प्रोड्यूस अपॉन सबस्ट्रेट कंज्यूम। क्या होता है? यील्ड का फॉर्मूला होता है बायोमास reduce upon substrate consumed. तो कितना substrate consume हो रहा है? 1 mol consume हो रहा है. तो biomass अगर Physalis के केस में देखें तो 22 ग्राम consume हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है 1 mol कंज्यूम होने से, तो ये 22 हो गया. बायोमास यील्ड जो Zymomonas मोबिलिस के केस में है वो 8.6 ग्राम है 1 mol ग्लूकोज के केस में, तो ये हो गया इनका यील्ड. अब अगर हम पहले हमने क्या देखा कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होती है, एनारोबिक फर्मेंटेशन जो होती है, उसमें 1 mol ग्लूकोज से 2 mol एटीपी मिल रही है. तो एटीपी की यील्ड कैसे निकालेंगे? एटीपी की यील्ड निकालेंगे, ये हो गया हमारा 22 जो हमारा बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है, ड्राई वेट ऑफ बैक्टीरिया बाई एटीपी, ड्राई वेट ऑफ बैक्टीरिया कितना प्रोड्यूस हो रहा है और उससे एटीपी कितने जनरेट हो रहा है, तो ये हो जाएगा 22/2 कितने 11 हो जाएंगे. ऐसे ही जैम मोबिलिस के केस में कितना हो जाएगा 8.6 बायोमास अपॉन कितने एटीपी निकल रहे हैं 2, टोटल कितना हो जाएगा 4.3. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज द mRNA इन अ न्यूली डिस्कवर्ड बैक्टीरिया आर कंपोज्ड ऑफ ओनली 2 डिस्टिंक्ट न्यूक्लियोटाइड एज अपोज टू 4 फाउंड इन ऑल नोन ऑर्गेनिज्म. कंसीडर दैट द ऑर्गेनिज्म हैज नो न्यूक्लियोटाइड मॉडिफिकेशन सिस्टम. The number of nucleotide required per codon to encode at least 20 different amino acid will be. कोई नया बैक्टीरिया डिस्कवर्ड हुआ है जो सिर्फ दो न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना होता है. हमारा क्या है, हमारा जो न्यूक्लियोटाइड है वो ATGC 4 से मिलके बना है और 4 न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है, और 3 न्यूक्लियोटाइड का कॉम्बिनेशन क्या बनाता है, कोडॉन बनाता. हमारे में 3 न्यूक्लियोटाइड का जो है वो कोडॉन बनता है, और फिर हम इन्हीं कोडॉन से क्या होता है 20 अमाइनो एसिड कोड होते हैं. लेकिन यहाँ पे केस उल्टा है, यहाँ पे बोला है कि कोई बैक्टीरिया है जो न्यूली डिस्कवर्ड हो रहा है, न्यूली डिस्कवर्ड बैक्टीरिया है, इसमें सिर्फ ATGC के बजाय सपोज करो सिर्फ 2 न्यूक्लियोटाइड है, इसने बोला है 2 डिस्टिंक्ट न्यूक्लियोटाइड, सिर्फ 2 ही न्यूक्लियोटाइड है, तो सपोज कर लो कि वो A और T हैं, सपोज कर लो कि A और T हैं, मतलब 2 ही हैं. अब बोला गया है कि 20 अमाइनो एसिड बनाने के लिए कितना चाहिए होगा, मिनिमम कितने जो है कोडॉन, एक कोडॉन में कितने न्यूक्लियोटाइड चाहिए होंगे, तो सपोज करो 2 ही से मिलके तो बन रहा है, तो 2 के पावर 0 लगाएंगे क्योंकि 0 का तो है ही नहीं ना, तो वो ऐसे हो जाएगा. फिर 2 के पावर 1 तो 2 बन रहा है, 2 ही न्यूक्लियोटाइड बन रहे हैं. 2 के पावर 2 लगाए तो कितने बन रहे हैं, कितने 4 बनेंगे. इन 2 के अगर 3 सेट लेते हैं तो 3 का कोडॉन बनाएंगे तो कितना बनेगा, जैसा कि हमारा बनता है कितने का 3 का कोडॉन बनता है, अगर वैसे 3 का कोडॉन इन 2 न्यूक्लियोटाइड पे बनाएंगे तो क्या कितना बनेगा. हमारा जो है वो कैसे कोड होता है 4 है, हमारा 4 का है ना ATGC, तो 4 के 3 लेटर के कोडॉन्स बनते हैं, तो कैसे बनता है 64 कोड्स बनते हैं ना, 4 4 4 16 4 64 कोडॉन बनते हैं. वैसे ही यहाँ पे अगर पूछा जाएगा तो अगर 0 लेटर का बनाएंगे कुछ बनना ही नहीं है, 1 लेटर का बनाएंगे वो भी नहीं बनना है, हमें 2 लेटर ये कितने बन रहे हैं 4 कोडॉन बन रहा है, हमें कम से कम 20 चाहिए, तो 2 का पावर 3 बनाएंगे कितना 8 आएगा, 2 का पावर 4 बनाएंगे तब कितना आएगा 2 16 आएंगे, 16 आएंगे. 2 का पावर 5 बनाएंगे तो कितना आएगा 32 आएगा, और 2 का पावर 6 बनाएंगे तो 64 आएगा. हमको कितना चाहिए, हमको सिर्फ 20 चाहिए, 8 less 20, उससे ज्यादा कितना भी हो सके, 8 less 20 अमाइनो एसिड बन जाए, उससे ज्यादा कितनी भी बन सके. तो 8 less 20 कितने में आ जा रहा है, ये 16 तो कम है, 20 से कम है है ना। लेकिन ये 32 वाले में 20 अमाइनो एसिड बन जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे 2 के पावर 5 मतलब कम से कम कोडॉन में जो लेटर हैं वो कितने होने चाहिए, 5 लेटर होने चाहिए, तब वो जो है 20 अमाइनो एसिड्स को कोड कर लेगा। 5 डिफरेंट कॉम्बिनेशन। हमारा कितना है, 3 का होता है ना, ऐसे यू जी जी यू सी सी ऐसा करके होता है ना, 3 लेटर का कोडॉन होता है। वैसे यहाँ पे 5 लेटर का कोडॉन होना चाहिए कम से कम 20 अमाइनो एसिड्स को कोड करने के लिए। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है उसमें बोला गया है 1 मोल ऑफ अ सर्कुलर बैक्टीरियल प्लाज्मिड वाज डाइजेस्टेड विद अ हाई फिडेलिटी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। द प्लाज्मिड हैज 5 रेस्ट्रिक्शन साइट। कितने रेस्ट्रिक्शन साइट है इनपे, 5 रेस्ट्रिक्शन साइट। 1 मोल ऑफ सर्कुलर बैक्टीरियल प्लाज्मिड 5 रेस्ट्रिक्शन साइट है एंजाइम की। फिर कंडीशन बोला है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फ्रेगमेंट रिलीज अपॉन क्लीवेज एट ऑल साइट। आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। जितने भी क्वेश्चन मैं करा रही हूँ उसमें आपको ध्यान से देखना होगा कि आप क्या नोटिस कर रहे हो, क्या दिया गया है, क्या नहीं दिया गया है, क्या पूछा गया है, उसके हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि कौन सा फॉर्मूला जो है वो लेना है। क्योंकि आप डिसाइड कर पाओगे क्या क्या दिया है, कहाँ ये चीजें कौन से फॉर्मूले में एग्जिस्ट करती हैं, फिर उस फॉर्मूले को रिकॉल करके उसको यूज करोगे। तो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर पाए, क्वेश्चन सही से रीड कर पाए। तो बहुत बार जरूरी है कि आप कई बार मॉक टेस्ट PYQs अटेम्प्ट करके आप ये सीखो कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन रीड करने का आर्ट सीखो कि क्वेश्चन में दिया क्या है, निकालना क्या है, और उसके लिए कैसे फॉर्मूला रिकॉल करना है कि ये दिया हुआ है तो मैं कौन सा फॉर्मूला रिकॉल करूं। ठीक, तो अभी यहाँ पे बोला है कि 1 मोल क्या है, 1 मोल सर्कुलर प्लाज्मिड दे रखा है। ठीक, अब ये इसमें 5 रेस्ट्रिक्शन साइट दिए, 1 2 3 4 5 रेस्ट्रिक्शन साइट दिए, 1 2 3 4 5। पूछा है द नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल्स ऑफ फ्रेगमेंट्स रिलीज होंगे अपॉन क्लीवेज एट ऑल साइट। कितने मोल्स फ्रेगमेंट्स जो हैं रिलीज होंगे अगर सारे साइट पे एक साथ क्लीवेज होती है तो। एक चीज आपको याद रखना है कि अगर लीनियर फ्रेगमेंट है और उस पर अगर बोल दिया जाए कि 5 रेस्ट्रिक्शन साइट है तो हमेशा जो फ्रेगमेंट जनरेट होगा वो n+1 होगा। कैसे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। लीनियर है अगर और उस पे बोला गया है कि 5 रेस्ट्रिक्शन साइट हैं तो 5 + 1 n + 1 हमेशा एक एक्स्ट्रा जो है फ्रेगमेंट जनरेट होगा लीनियर के केस में। लेकिन अगर आप सर्कुलर का केस देखें तो हमेशा जितने रेस्ट्रिक्शन साइट हैं उतने ही क्लीवेज होंगे। तो यहाँ पे कितने रेस्ट्रिक्शन साइट हैं, एक फ्रेगमेंट ये हो गया आपका जनरेट होगा, दूसरा फ्रेगमेंट ये जनरेट होगा, तीसरा फ्रेगमेंट ये जनरेट होगा, चौथा फ्रेगमेंट ये जनरेट होगा और 5वां फ्रेगमेंट जो है वो ये जनरेट होगा। तो टोटल कितने फ्रेगमेंट जनरेट हो रहे हैं, 5। 1 मोल है, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 6.23 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब ऐसे अगर ये फ्रेगमेंट हो जाता है तो ऐसे कितने फ्रेगमेंट बनेंगे, 5 फ्रेगमेंट बनेंगे और हर फ्रेगमेंट कितने का होगा, इंडिविजुअल 1 फ्रेगमेंट 1 मोल का होगा। तो ऐसे कितने मोल बन रहे हैं, 5 मोल्स बन रहे हैं। ओके, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फ्रेगमेंट कितने बन रहे हैं, 5 हो गया इसका आंसर। ठीक, अब एक और क्वेश्चन है, अ बैक्टीरियल कल्चर कंटेनिंग 3.10⁵ लाइव सेल्स, कितने 3 × 10⁵ लाइफ सेल, वॉज एक्सपोज टू अ न्यूली डेवलप्ड स्टरलाइजिंग एजेंट। ओके, आफ्टर 30 मिनट ऑफ एक्सपोजर 3 सेल्स रिमेन इन कल्चर, 3 लाइफ सेल रिमेन कल्चर। द डेसिमल रिडक्शन टाइम पूछा है फॉर द न्यू एजेंट, डी पूछा है। एंटी दिया हुआ है कितना, नंबर ऑफ सर्वाइवल सेल्स दे रखे हैं कितने, 3, और आपका इनिशियल कितना दे रखा है 3 × 10⁵। आपको टाइमिंग दे रखी है कितनी 30 मिनट, कितनी दे रखी है 30 मिनट। और आपसे जो डी वैल्यू पूछा गया है वो भी मिनट में पूछा गया है ना, मिनट में ही पूछा गया, तो हमें इसको सेकेंड या आवर्स में चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। ऑलरेडी 30 मिनट दे रखा है। डेसिमल रिडक्शन टाइम भी जो पूछा है वो 30 मिनट पे ही पूछा है, तो सीधा आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। कौन सा? आपको सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है D = T/log (nt) - log (n0)। तो t की वैल्यू कितनी 30 मिनट दे रखी है, इसको यहाँ पे 30 मिनट रखोगे, फिर 3 × 10⁵ रखोगे, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? आंसर आ जाएगा आपका log 5 × 10⁵ - log 3। तो 3 × 10⁵ - log 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आएगा 6। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैक्टीरियल कल्चर हैज अ जनरेशन टाइम ऑफ 34 मिनट। कितना है? जनरेशन टाइम है 34 मिनट। द टाइम टेकन फॉर द OD 550 फॉर दिस एक्सपोनेंशियल ग्रोइंग कल्चर टू इंक्रीज फ्रॉम 0.25 टू 0.85 इज पूछा गया है। तो NT, आप यहाँ पे NT को सपोज कर सकते हो, जो ये वैल्यू दी हुई है NT सपोज कर लो कितना 0.85 है आपका, और N0 की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.25। आपको N की वैल्यू निकालनी है और फिर निकालना है कि 34 मिनट में कितने जनरेशन टाइम्स जो हैं वो आएंगे यहाँ पे। तो अब क्या करना है, अपने को मालूम है एक फॉर्मूला है NT = N0 × 2^n। NT कितना दे रखा है 0.85 और N0 कितना दे रखा है 0.25 इंटू 2^n। अब N की वैल्यू अगर निकालनी होगी हमें तो हम लॉग ले लेंगे, तो N दोनों साइड लॉग लेंगे तो कितना हो जाएगा N log 2 = log 0.85 upon 0.25। यहाँ पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, आपका हो जाएगा N = हो जाएगा log 85 upon 25 upon log कितना हो जाएगा 2। अब कैलकुलेटर अगर आप यहाँ पे डाउनलोड करके रखे हो, है ना, कैलकुलेटर गेट कैलकुलेटर डाउनलोड करके रखे हो ऐप में, तो वहां से आप लॉग की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे? पहले आप ये सॉल्व करो 85 upon 25 कितना आएगा 85 upon 25, ये आया 3.4, तो ये हो जाएगा log 3.4 upon log 2। ओके, अब 3.4 आया, उसकी log वैल्यू ले लेंगे तो कितना आएगा 0.531। log 2 की वैल्यू कितनी होगी 0.301। अब इसको डिवाइड कर देंगे हम, ओके, तो डिवाइड करके कितना आ रहा है 0.531 डिवाइडेड बाई 0.301 कितना आ रहा है 1.76। अब क्योंकि 30 ये आया आपका 1.76, ठीक, 34 मिनट लग रहे हैं एक जनरेशन टाइम को, है ना, जनरेशन टाइम दे रखा है 34 मिनट और कितने टोटल जनरेशन बन रहे हैं 1.766। तो टोटल टाइम कैसे निकलेगा 34 मिनट इंटू जितने जनरेशन होंगे उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल टाइम कितना निकल के आएगा, टोटल टाइम निकल के आएगा आपका 16.05। ये आपका टोटल टाइम निकल के आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 100 माइक्रोलीटर एलिक्वेट जिसका डाइल्यूशन कितना है 10⁻⁻4 Of the bacterial culture plated on nutrient agar give 4 colonies. The bacterial stock concentration जो कि हमें बताना है मिलियन सेल्स पर ml में, और राउंड ऑफ कितना करना है 1 डेसिमल तक। तो देना बताना क्या है, यहाँ पे पहले दिया है 100 माइक्रोलीटर, कितना वॉल्यूम दिया हुआ है 100 माइक्रोलीटर, जो कि कितना होता है 10⁻⁻4 ml के बराबर होता है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 0.1 ml, है ना। इतना जो है वो प्लेट किया गया है। नंबर ऑफ कॉलोनीज कितनी है, नंबर ऑफ कॉलोनीज दी हुई हैं 4। CFU का फॉर्मूला क्या है, CFU का फॉर्मूला है नंबर ऑफ कॉलोनीज इंटू डाइल्यूशन फैक्टर अपॉन वॉल्यूम प्लेटेड। अब अगर हम ये इस तरह से देखें तो ये कितना आ रहा है 4 × 10⁻4 अपॉन 0.1 ml, है ना। तो अपने को क्या पता चल रहा है, यहां से पता चल रहा है हमको कि 0.1 ml में कितने सेल्स हैं, 0.1 ml में है 4 × 10⁻4 सेल्स हैं, है ना। अब हमें बताना है कि 1 ml में कितना हो जाएगा, तो 1 ml में हो जाएगा 4 × 10⁻4 × 10, कितना हो जाएगा टोटल 4 × 10⁻ कितना होगा 5। तो टोटल सेल्स कितने हो जाएंगे 4 × 10⁵ सेल। अब एक मिलियन में हमको बताना है तो ये हो जाएगा 4, 1, 2, 3, 4, 5, इतना, है ना। हमको मिलियन में बताना होगा तो यानी कि 10⁻6 में बताना है, 10⁻6 में बताना है तो ये हो जाएगा 0.4, क्या हो जाएगा 0.4 × 10⁻6, मतलब 0.4 मिलियन सेल्स पर ml, कितना 0.4 मिलियन सेल्स पर ml। ठीक, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। क्या देखेंगे कि इसमें वॉल्यूम दे रखा है 100 माइक्रोलीटर, जिसको डाइल्यूट किया कितना किया गया है 10⁻4 डाइल्यूशन है इसका। अब अगर इसको हम कन्वर्ट करें ml में तो कितना आएगा 100 माइक्रोलीटर = 0.1 ml। अब CFU का फॉर्मूला है नंबर ऑफ कॉलोनीज इंटू डाइल्यूशन फैक्टर अपॉन वॉल्यूम प्लेटेड। अब अगर हम नंबर ऑफ कॉलोनीज 4, डाइल्यूशन फैक्टर 10⁻4 और वॉल्यूम कितना प्लेट कर रहे हैं 100 माइक्रोलीटर, जो कि क्या है 0.1 ml। अब अपने को यहां से दिख रहा है कि 4 × 10⁻4 सेल्स हैं कितने में 0.1 ml में। तो 0.1 ml में अगर 4 × 10⁻4 सेल हैं तो 1 ml में कितने होंगे 10 टाइम ज्यादा होंगे, तो कितना हो गया 4 × 10⁵ सेल। पर हमें बताना है मिलियन सेल्स पर ml, मिलियन में कितने 0 होंगे 6, तो हमने इसको क्या किया 10⁻6 ले लिया और 0.4 की जगह ये क्या हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। तो कितने मिलियन सेल्स आएंगे 0.4 मिलियन सेल्स जो हैं वो आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंटिन्यूअस बैक्टीरियल कल्चर कैरिड आउट इन अ कीमोस्टेट इज सेट टू अ फ्लो रेट ऑफ 40 ml/hour। द कल्चर वॉल्यूम इज इक्विवेलेंट टू दैट अ cubical container having 10 cm sides. The dilution rate पूछा है, dilution rate कितना होगा, तो यहाँ पे flow rate आपको F दे रखा है 40 ml/hour, है ना। अब D पूछा है, V आपको कहीं ना कहीं से दे दिया गया है, कैसे दे दिया गया है पहले बता दिया गया है कि इसका शेप क्या है क्यूबिकल है और उसकी साइड्स दे दी गई हैं, क्या दे दी गई हैं 10 cm, ओके 10 cm आपको साइड्स दी गई हैं। अब आपको 10 cm यहाँ पे साइड दे दी गई हैं, तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, जो भी उसका साइड होता है उसका क्यूब होता है ना, साइड का क्यूब होता है। तो यहाँ 10⁻ कितना हो जाएगा 3, यानी कि 1000 cm³। cm³ किसके बराबर होता है, cm³ बराबर होता है ml के क्यूब के बराबर, कितना होता है एम एल के बराबर होता है, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो एम एल के बराबर होता है। अब हमको मालूम है कि 1000 यहाँ पे 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो बराबर है 1000 एम एल के, है ना। अब अपने को एफ की भी वैल्यू पता है, एफ की भी वैल्यू पता है, एफ की वैल्यू कितने हैं 14 एम एल पर आर, है ना। अब डी की वैल्यू निकालना कितना आसान है, डी की वैल्यू क्या कैसे निकलती है, डी की वैल्यू निकलती है एफ अपॉन वी, तो डी की वैल्यू हम निकालेंगे एफ अपॉन वी करके, कितना आएगा 40 एम एल पर आर अपॉन कितना 1000 एम एल। ये कट हुआ, कितना आएगा डी की वैल्यू आएगी, डी की वैल्यू कितनी आएगी 0.04 एम एल पर आर, कितनी आएगी 0.04 एम एल पर आर, ये सॉरी 0.04 पर आर जो है वो डी की वैल्यू निकल आएगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 250 माइक्रोलीटर ऑफ बैक्टीरियल फेज स्टॉक कंटेनिंग 8 × 10⁸ फेजेस पर ml is added to 500 microliter of E. coli culture. It's containing 4 × 10⁸ cells per ml. The multiplicity of infection पूछा है, MOI वैल्यू पूछा है। MOI किसको बोलते हैं, मल्टीप्लिसिटी ऑफ इन्फेक्शन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है प्लेक फॉर्मिंग यूनिट पर ml ऑफ वायरस यूज फॉर इन्फेक्शन अपॉन नंबर ऑफ सेल। दोनों ही वैल्यूज आपको दे रखी हैं, सिर्फ आपका काम क्या है यूनिट कन्वर्जन का काम यहाँ पे बचा है, कुछ नहीं है सिर्फ यूनिट कन्वर्जन का काम है। यहाँ पे कंसंट्रेशन दे रखा है जो यूज किया गया है 250 माइक्रोलीटर, जो कि किसके बराबर होता है 0.25 ml के बराबर होता है, कितना 0.25 ml। ऐसे ही यहाँ पे दे रखा है 500 माइक्रोलीटर जो कि ऐड किया गया है, कितना 500 माइक्रोलीटर जो कि किसके बराबर होता है 0.5 ml के बराबर। अगर आप कन्वर्ट करोगे तो आपको मिलेगा 0.5 ml। अब बोला गया है कि 8 × 10⁸ फेजेस पर ml है, मतलब कि 1 ml में कितने हैं, 1 ml में है 8 × 10⁸ फेजेस पर फेजेस हैं, ओके। ऐसे ही यहाँ पे ई कोलाई कल्चर पे कितना बोला है कि 500 माइक्रोलीटर लिया गया है और 1 ml में कितने हैं, 1 ml में कितने ई कोलाई सेल्स हैं, 1 ml में हैं 4 × 10⁸ सेल्स हैं, है ना। आपको बस अब कन्वर्जन करना है, 1 ml में 8 × 10⁸ फेजेस हैं तो 0.25 ml में कितने होंगे, 0.25 ml में होंगे 8 × 10⁸ × 0.25, कितना आ जाएगा, आपका 4 × 10⁸ फेजेस, ठीक ये आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे जब हम देखेंगे 1 ml में 4 × 10⁸ सेल्स हैं, सॉरी यहाँ आ जाएगा 2 × 10⁸ आएगा, कितना आएगा 2 × 10⁸। ऐसे ही 1 ml में 4 × 10⁸ सेल्स हैं तो आपको 0.5 ml में निकालना है कि कितने सेल्स होंगे, तो 0.5 ml जो कि प्लेट किया गया है उसमें कितने सेल्स होंगे 4 × 10⁸ × 0.5 सेल्स, 0.5 ml। अब ये कितना निकल जाएगा, ये भी आ जाएगा 2 × 10⁸ सेल्स, ओके। अब जो 250 माइक्रोलीटर यहाँ लिया गया था उसमें कितने फेज थे 2 × 10⁸ फेज थे, और 0.5 ml जो लिया गया है मतलब 500 माइक्रोलीटर जो लिया गया है ई कोलाई सेल्स का, उसमें ई कोलाई सेल्स कितने हैं 2 × 10⁸ ई कोलाई सेल्स हैं। अब एमओआई क्या निकलेगा, एमओआई निकलेगा इन दोनों का रेशियो, प्लेक फॉर्मिंग यूनिट पर ml ऑफ वायरस अपॉन नंबर ऑफ सेल, ये कितने हो गए 2 × 10 to the power 8 फेजेस हैं अपॉन ये कितना हुआ 2 into 10 to the power 8 कितने इकोलाई सेल्स हैं। हाँ इकोलाई सेल्स हैं तो ये इकोलाई हो गया। तो एमओआई कितना निकलेगा इसका 1 आ जाएगा है ना 1 आ जाएगा। अब दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बैक्टीरियल कल्चर कंटेनिंग 500 ऑर्गेनिज्म पर ml इन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज एट 8 AM टाइम दे रखा है 8 AM इन द मॉर्निंग। इफ यू कंसीडर अ जनरेशन टाइम ऑफ 20 मिनट द टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म पर ml पूछा है। टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म पर ml पूछा है आफ्टर 3 आवर्स आफ्टर 3 आवर्स ओके। अब देखो 8 AM पे शुरू हुआ था ठीक है। अब इसमें 3 आवर्स और जोड़ दो कितना आएगा 8 से 9 9 से 10 10 से 11 11 AM ठीक 11 AM कितने 3 घंटे हुए 3 आवर्स टोटल टाइम दे रखा है 3 आवर्स। अब बोला है 20 मिनट्स है ना 20 मिनट्स का एक जनरेशन टाइम है इसका 3 आवर्स में कितने मिनट हो जाएंगे 60 120 और 180 मिनट्स है ना 180 मिनट्स हो गए। और 20 मिनट का एक जनरेशन टाइम है एक जनरेशन होने में कितना लग रहा है 20 मिनट। तो नंबर ऑफ जनरेशन कैसे निकल जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 20 कितने जनरेशन निकलेंगे कितने 9 जनरेशन निकल रहे हैं है ना 9 जनरेशन निकल रहे हैं। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। अब बोला है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज पे ए बैक्टीरियल कल्चर 500 ऑर्गेनिज्म पर ml है ना टोटल ऑफ नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर ml बताने हैं। इफ यू कंसीडर जनरेशन टाइम ऑफ 20 मिनट ठीक आफ्टर 3 आवर्स बताने हैं। तो शुरू में n0 कितना है n0 दे रखा है 500 nt आपको बताना है। तो n0 इज इक्वल टू क्या होता है nt इज इक्वल टू क्या होता है n0 इंटू 2 to the power n n0 कितना है 500 2 to the power कितना हो जाएगा 9 निकालो कितना आएगा ये हो जाएगा 500 into 512 2 to the 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 512। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 500 into 512 कितना आ जाएगा 256 000 ये इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म होंगे टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म पर ml कितने हो जाएंगे 256 000 ये टोटल वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो फॉर्मूला आपको हमेशा ये वाला याद रखना है nt इज इक्वल टू n0 इंटू 2 to the power n इतने से ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। बस आपको जनरेशन टाइम जो है वो निकालने आना चाहिए कन्वर्ट करने आना चाहिए मिनट्स को आवर्स में आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना आना चाहिए। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि कंसीडर अ स्फेरिकल बैक्टीरियल सेल विद डायमीटर 2 माइक्रोमीटर कितना है डायमीटर। पहला बात याद रखना आपको स्फेरिकल है उसके बाद डायमीटर कितना है 2 माइक्रोमीटर और 2 माइक्रोमीटर हुआ तो रेडियस कितना हुआ 1 माइक्रोमीटर हो गया है ना। फिर बोला है एंड अ यूकैरियोटिक सेल ये है बैक्टीरिया और ये है यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल में कितना दे रखा है ये भी स्फेरिकल है और इसका भी डायमीटर कितना इसका डायमीटर दे रखा है 20 माइक्रोमीटर है ना। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा जस्ट डायमीटर जो होता है उससे अगर अपने को रेडियस निकालना हो तो डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो रेडियस निकल जाएगा। तो रेडियस हो गया आपका 20 माइक्रोमीटर डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 10 माइक्रोमीटर ये आपका रेडियस हो गया। अब बोला द सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो मतलब सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशियो निकालनी है। बैक्टीरियल सेल इज टाइम्स मोर देन दैट ऑफ, मतलब दोनों का पहले हमें सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम निकालना होगा, फिर देखना होगा कि किसका सरफेस एरिया वॉल्यूम जो है वो ज्यादा है और कितना ज्यादा है। तो सरफेस एरिया कितना होता है स्फीयर का 4 पाई r स्क्वायर, कितना होता है सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर और वॉल्यूम कितना होता है 4 बाई 3 पाई r क्यूब, है ना। ये होता है, इधर भी सेम फॉर्मूला लगेगा 4 पाई r स्क्वायर अपॉन 4 बाई 3 पाई r क्यूब, है ना। अब यहाँ पे डायमीटर से अपने को क्या निकालना था, रेडियस ही निकालना था, तभी तो सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम निकाल पाएंगे अपन। अब यहाँ पे सीधे देखो क्या करना है, ये 3 क्या कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू पाई आर क्यूब, ठीक। तो अब 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से ये आर क्यूब कटा, कितना बचा 3 बाई r। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 बाई r की वैल्यू कितनी है 1 माइक्रोमीटर, तो ये टोटल हो जाएगा 3, है ना। अब यहाँ पे अगर सेम चीज निकलेगी तो कितनी आएगी 3 इंटू 4 पाई r स्क्वायर अपॉन 4 पाई r क्यूब। सिंपली यहाँ भी कट रहा है ना, 4 पाई से 4 पाई कट गया, r स्क्वायर से r क्यूब कटा, बचा कितना 3 बाई r। अब यहाँ पे r की वैल्यू क्या है 3 बाई 10, यानी कि कितना आया 0.3, है ना 0.3 आया। तो अब ये वैल्यू कितनी ज्यादा है 3 और 0.3 कितना, अगर हम ये वैल्यू निकालें कौन सी वैल्यू, द सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ऑफ बैक्टीरियल सेल इज, कितना ज्यादा है यूकैरियोटिक सेल से। तो ये कितना है सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो बैक्टीरियल सेल का आया है 3 और इसका कितना आया है यूकैरियोटिक सेल का आया है 0.3। तो 3 अपॉन 0.3 कितना हो जाएगा 3 अपॉन 0.3 10, मतलब 10 टाइम ज्यादा है। कितने टाइम ज्यादा है 10 टाइम जो है वो ज्यादा है। फिर से एक बार देख लेते हैं क्या दिया हुआ है आपको, एक बैक्टीरियल सेल दिया है, एक यूकैरियोटिक सेल दिया है, दोनों क्या है दोनों स्फेरिकल हैं, दोनों के लिए d की वैल्यू डायमीटर दी हुई है, एक के लिए 2 माइक्रोमीटर दिया है, दूसरे के लिए 20 माइक्रोमीटर दिया है। अब बोला है सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो दोनों का कंपेयर करना है और फिर बताना है कि बैक्टीरिया का सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम रेशियो यूकैरियोटिक सेल के सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम रेशियो से कितना ज्यादा है ना। तो हम जानते हैं कि सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4 बाई 3 पाई r क्यूब, ठीक। अब क्योंकि फॉर्मूले में r का यूज है और r यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, दिया हुआ है यहाँ पे डायमीटर। अब जब डायमीटर दिया हुआ है तो डायमीटर से रेडियस कैसे निकालते हैं, डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। तो जब डिवाइडेड बाई 2 करेंगे डायमीटर को तो आ जाएगा 1 माइक्रोमीटर ऑब्वियसली, और इसके लिए कितना आ जाएगा 20 माइक्रोमीटर डिवाइडेड बाय 2 कितना 10 माइक्रोमीटर आ जाएगा। अब सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम रेशियो के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर सरफेस एरिया का और 4 बाई 3 पाई r क्यूब किसका हो जाएगा वॉल्यूम का। दोनों को रख लेंगे, हम देख रहे हैं 4 पाई और 4 पाई एक दूसरे से कट जाएगा, r स्क्वायर r क्यूब से कट जाएगा, नीचे बचेगा 3 जो कि ऊपर जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा r, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे एक r एक्स्ट्रा बचेगा ना, यहाँ r स्क्वायर कटा एक r बच गया है तो 3 बाई r हो जाएगा। r की वैल्यू 1 रख दी हमने, कितना आया ऐसे अपॉन b की वैल्यू सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम का वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे करेंगे तो कितना आ रहा है 3 बाई r की वैल्यू आ जाएगी 3 बाई 10, क्यों, क्योंकि r की वैल्यू यहाँ 10 है। अब 3 बाई 10 करेंगे 0.3 आ जाएगा। अब क्योंकि पूछा है कि बैक्टीरिया का ऐसे अपॉन वी सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम रेशियो कितना गुना ज्यादा है यूकैरियोटिक सेल से। तो 3/0.3 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 10। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हेन ग्रुपिंग बैक्टीरिया यूजिंग न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमिक अप्रोच many characteristics are determined from each strain. If all characteristics are same, then the percent similarity is 100. मतलब पहले तो दो बैक्टीरिया को अगर ग्रुप कर रहे हैं या किसी बैक्टीरियल ग्रुप को ग्रुप कर रहे हैं तो अगर सबकी सीक्वेंस सिमिलरिटी 100% सेम हो गई तो वो क्या होंगे, सेम ही हो जाएंगे, सारे कैरेक्टरिस्टिक सेम हो जाएंगे, 100% सिमिलरिटी हो जाएगी, है ना। लेकिन जब यहाँ पे दो बैक्टीरिया कंपेयर कर रहे हैं तो उनके 72 कैरेक्टर सेम निकल रहे हैं, 72 कैरेक्टर सेम है, और बोल रहे हैं कि 44 कैरेक्टरिस्टिक आर डिफरेंट। कितने, 44 कैरेक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो परसेंट सिमिलरिटी पूछ रहा है ना, कि कितने सिमिलर हैं, है ना। तो आप सीधे यहाँ से ये देख के नहीं बोल सकते हो कि 72% सिमिलर हैं क्योंकि 72 कैरेक्टर जो हैं वो सेम है, नहीं, आपको पहले टोटल कैरेक्टर को ऐड करना होगा। ये कितना हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 7 3 11 हो जाएगा, है ना। तो टोटल कैरेक्टर कितने हुए, 116 टोटल कैरेक्टर्स। टोटल कैरेक्टर 116 हो गए। अब परसेंट सिमिलरिटी निकलेगी, अब परसेंट सिमिलरिटी निकलेगी कैसे, 72/116 इंटू 100 कितना आएगा बताओ, ये आएगा, आप गेट कैलकुलेटर उठा लो सबसे पहले, फिर यहाँ पे लिखो 72/116, ये आ जाएगा 0.62, और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 62%। कितना आएगा, 62% सिमिलरिटी जो है वो यहाँ पे मिल जाएगी आपको। तो हमारा क्वेश्चन है, अ बैक्टीरियल स्ट्रेन इज ग्रोन इन न्यूट्रिएंट मीडियम एट 37 डिग्री सेल्सियस, है ना, टेम्परेचर दे रखा है, उससे हमें कोई मतलब है नहीं है। द मीडियम इज इनॉक्यूलेटेड विथ 10^2 सेल, मतलब N0 कितना दे रखा है, 10^2 सेल्स दे रखे हैं। इफ द नंबर ऑफ सेल इन द कल्चर इज 10^5 आफ्टर 10 आवर्स, मतलब 10 आवर्स के बाद NT कितना दे रखा है, NT दे रखा है 10^5 सेल्स, और उसके बाद आपको टाइम दे रखा है 10 आवर्स, कितना, 10 आवर्स। तो आपसे पूछा गया है कि डबलिंग टाइम बताइए। तो सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला रिकॉल करना होगा जो कि है μ = ln NT/N0/T, ठीक। तो अब म्यू से अपना क्या निकलता है, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट निकलता है, ln NT/N0। तो ln NT कितना हुआ, NT हुआ 10^5 और N0 कितना हुआ, N0 हुआ 10^2 अपॉन टी कितना है, 10 आवर्स। अगर इसको वापस से हम देखें तो ln हो जाएगा कितना, 10^3, है ना, 10^5 अपॉन 10^2 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 10^3 अपॉन 10। तो ln 10^3 की वैल्यू निकाल लो आप गेट कैलकुलेटर से, कितनी आएगी, कितनी आएगी, 6.90 आएगी, ठीक। तो आ गया आपका 6.90 अपॉन कितना, 10। तो म्यू की वैल्यू अब कितनी आ जाएगी, म्यू की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.690, कितनी आ रही है, 0.690, ये आपकी म्यू की वैल्यू आ गई, है ना। अब डबलिंग टाइम का एक फॉर्मूला होता है, डबलिंग टाइम TD, का फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन म्यू, है ना, ये एक फॉर्मूला होता है, ये आपको याद करना होगा। अब इस फॉर्मूले में अगर म्यू की वैल्यू रख दे हम तो क्या हो जाएगा, 0.693 अपॉन म्यू की वैल्यू 0.690 कितनी आ जाएगी। डबलिंग टाइम टी डी कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ऑलमोस्ट 1 के बराबर आ जाएगा। और कितने में, आर में, 1 आर आ जाएगा, है ना, आंसर आ जाएगा। फिर से आप देख लो, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10^2 सेल्स हैं, 10 घंटे बाद क्या हो जा रहे हैं, वो 10^5 हो जा रहे हैं। तो N0 अपना हो गया 10^2 सेल्स, NT हो गए 10^5 सेल्स, और T की वैल्यू है 10 आर। अब आपको मालूम है म्यू का फॉर्मूला मालूम है, और म्यू से आपको डबलिंग टाइम का फॉर्मूला मालूम है कि 0.693/μ, और म्यू का फॉर्मूला मालूम है म्यू इज इक्वल टू LN (NT/N0) × T। अब आपको सीधे क्या करना है, इस फॉर्मूले में NT N0 की वैल्यू रखनी है 10^5/10^2 और T की वैल्यू कितनी, 10 आर। इसके बाद आप ये कट करोगे, बचेगा LN (10^3)। अब 10^3 की वैल्यू आप गेट कैलकुलेटर में कैलकुलेट करोगे तो आएगी 0.690, जिसको 10 से डिवाइड करने पे म्यू की वैल्यू आएगी कितनी, 0.690। अब डबलिंग टाइम का फॉर्मूला अपने को मालूम है 0.693/μ, है ना। ये फॉर्मूला में 0.693/0.690 रख देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, डबलिंग टाइम मिल जाएगा, जो कि कितना आएगा, 1 आर आएगा। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाती है। फिर एक क्वेश्चन पूछा है, डेसिमल रिडक्शन टाइम ऑफ अ बैक्टीरियल स्ट्रेन इज 20 मिनट, स्पेसिफिक डेथ रेट कांस्टेंट इज मिनट। अब आपसे डेथ रेट कांस्टेंट के की वैल्यू पूछी गई है और डेसिमल के 2 प्लेसेस तक पूछी गई है। डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 मिनट दे रखी है। अब अगर आपने डेसिमल रिडक्शन टाइम सही से पढ़ी हो तो वहां पे आपको एक ये फॉर्मूला मिलेगा, D = 2.303K, जहां पे K क्या है, डेथ रेट कांस्टेंट है। क्या है, डेथ रेट कांस्टेंट। यहां से अगर आप K को इधर भेजोगे तो D की वैल्यू इधर आएगी, ठीक, D की वैल्यू इधर आएगी तो ये फॉर्मूला ट्रांसफॉर्म होके कुछ इस तरह दिखेगा। K की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2.303/D। D कितना है यहाँ पे, 20 मिनट रख दो, K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.303/20। गेट कैलकुलेटर खोल लेनी है आपको, 2.303/20 ये आ गया 0.11। K की वैल्यू कितनी आ गई, 0.11, और इसने क्या बोला, डेसिमल के 2 प्लेसेस तक 0.115, है ना। ये हो गया इसका आंसर। अब एक क्वेश्चन और है, इससे पहले हमने एक्सेल में सेम क्वेश्चन सॉल्व किया था, वैसे ही है ये। इसमें क्या बोला गया है, 0.1 ml एलिक्वेट ऑफ अ बैक्टीरियोफेज स्टॉक हैविंग अ कंसंट्रेशन ऑफ 4 × 10^9 फेजेस पर ml इज एडेड टू 0.5 ml of E. coli culture having a concentration of 2 × 10^8 cells per ml। तो MOI पूछा है, इसके लिए MOI के लिए वापस फेज का जो नंबर होता है सेल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेल्स हो जाएंगे। ये बोला है 0.1 ml, है ना, लिया गया है। पहले आप ये नंबर देखो, फेज 1 ml में कितने फेज हैं, 1 ml में आपके यहाँ पे दे रखे हैं 4 × 10^9 फेज, है ना। अब ऐसे ही बैक्टीरिया में देखो कितने सेल दे रखे हैं, 1 ml में, 1 ml में यहाँ पे दे रखे हैं 2 × 10^8 सेल्स, ठीक। अब इसका कितना लिया गया है, 0.1 ml, तो 1 ml और ये 0.1 ml, ठीक। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कितना लिया गया है, 0.5 ml, सही। अब 4 × 10^9 × 0.1 ml, अगर 1 ml में 4 × 10^9 फेजेस हैं तो 0.1 ml में कितने हो जाएंगे, 4 × 10^8 फेजेस हो जाएंगे, है ना। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 ml में कितने हैं 2 × 10⁸ सेल्स हैं। तो यहाँ पे 2 ml में कितने 0.5 ml में कितने हो जाएंगे 2 × 10⁸ इंटू 0.5 कितने हो जाएंगे 10⁸ सेल्स हो जाएंगे, है ना। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को MOI निकालनी है, MOI निकालनी है। तो MOI के लिए नंबर ऑफ फेजेस 4 × 10⁸ हो गए, है ना, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्वलाइजर्स, तो वो कितना आया 10⁸ सेल्स आए हैं। अब हम देख रहे हैं कि 10⁸ to 10⁸ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो MOI कितना बचेगा अपने पास, MOI हमारे पास बच रहा है 4, है ना। 10⁸ कैंसिल हो जा रहा है, तो MOI हमारे पास कितना बच रहा है 4 बच रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंटिन्यूअस सेल कल्चर बीइंग कैरिड आउट इन अ स्टीयर टैंक रिएक्टर। एक स्टीयर टैंक रिएक्टर है जिसमें क्या किया जा रहा है, सेल मास कंसंट्रेशन और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन देखा जा रहा है। अब तो उसमें सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो फीड किया जा रहा है वो है 10 ग्राम पर लीटर और उसका जो यील्ड कोफिशिएंट y एक्सिस जो है वो 0.5 है। अब इसमें फ्लो रेट भी दे रखा है कि 5 ml/min जो है इसका फ्लो रेट है। उसके बाद एक ये फॉर्मूला दे रखा है म्यू इज इक्वल टू क्या दे रखा है 0.3 S1+S, ये आपको ये फॉर्मूला दे रखा है, पूछा गया है S। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे S जो पूछा गया है वो आपको यही इसी क्वेश्चन में आंसर के रूप में मिल जाएगा, जो कि क्या है 0.3 S/1+S, ये ऐसा दे रखा है ना। अब अगर आप कंसीडर करोगे तो एक फॉर्मूला आपको इससे सिमिलर मिल जाएगा। कौन सा फॉर्मूला सिमिलर मिल जाएगा, अगर आपको फॉर्मूला याद हो स्टेडी स्टेट का, तो म्यू स्पेसिफिक ग्रोथ रेट का एक फॉर्मूला होता है μ इज इक्वल टू म्यू मैक्स Ks/S, Ks+S, है ना, ये होता है μ इज इक्वल टू म्यू मैक्स S Ks+S। अब अगर इस फॉर्मूले को कंपेयर करो तो आपको पता चल जाएगा कि म्यू मैक्स क्या दे रखा है, म्यू मैक्स दे रखा है 0.3, ठीक। Ks की वैल्यू क्या दे रखी है 1 दे रखा है, और S की वैल्यू हमको क्या करनी है, निकालनी है। म्यू की वैल्यू अगर स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन में देखें, स्टेडी स्टेट कंडीशन में देखें तो म्यू की वैल्यू क्या डाइल्यूशन रेट के बराबर होती है। डाइल्यूशन रेट निकालने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, फ्लो रेट और वॉल्यूम। अगर क्वेश्चन में देखो तो वॉल्यूम कहीं पे नहीं दिख रहा है, पर क्वेश्चन के साथ जो डायग्राम दिया गया है उसमें वॉल्यूम दिख रहा है, जो कि क्या है, वॉल्यूम दे रखा है 3 लीटर, है ना, या फिर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम 3000 ml में, है ना, कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि फ्लो रेट जो दिया है वो ml में दे रखा है। अब क्योंकि म्यू की वैल्यू हमें आर में निकालनी है और फ्लो रेट दे रखा है 5 ml/min, मिनट में दे रखा है, तो फ्लो रेट को चेंज करेंगे। फ्लो रेट 5 ml/min दे रखा है, तो 1 घंटे में कितना होगा 300 ml, है ना। सिंपल सी बात है, अगर 1 मिनट में 5 ml है तो 1 घंटे में कितने 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट में कितने होगा 60 × 5 कितना हो जाएगा 300 ml हो जाएगा, 300 ml/hour हो जाएगा, है ना। अब अगर हम D की वैल्यू निकालें तो D का फॉर्मूला क्या होता है F/V, है ना। D की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300/3000 कितना हो जाएगा 1/10 या 0.1/hour, ये आपकी D की वैल्यू हो जाएगी। अब क्योंकि हमने बोला है कि D की वैल्यू जो है वो म्यू के बराबर है ना, यही बोला था। तो म्यू की वैल्यू भी हो जाएगी डी के बराबर, जो कि हो जाएगी 0.1 आर, है ना, यही होगा। अब अगर हम इस म्यू की वैल्यू यहाँ पे रख दे, है ना, 0. यहाँ पे इसकी इस म्यू की जगह 0.1 रख दे तो क्या हो जाएगा, 0.1 इज इक्वल टू 0.3 एस अपॉन 1 प्लस एस। अब इसको सॉल्व कर लो, इस फॉर्मूले को, इक्वेशन सॉल्व करना सबको आता होगा। तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 1 प्लस एस इज इक्वल टू 0.3 एस, है ना। इसको मल्टीप्लाई करो, 0.1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 0.1 प्लस 0.1 एस इज इक्वल टू 0.3 एस। अब इसको यहाँ पे ले जाएंगे इस तरफ s वाले टर्म को, तो माइनस हो जाएगा 0.1 इज इक्वल टू ये 0.3 माइनस 0.3 एस माइनस 0.1 एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.1 इज इक्वल टू 0.2 एस, या एस की वैल्यू निकालेंगे अगर तो हो जाएगी 1/2। 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.5, यानी एस का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 0.5 ग्राम पर लीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। वापस एक बार देख लेते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन, डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट इन द सेंस कि इसमें बस आपको कन्वर्जन देखना है कि कितना कन्वर्ट कर पाते हो आप इसको। तो सिंपल है, पहले म्यू इज इक्वल टू यहाँ पे आपको यहाँ पे क्वेश्चन में निकालना है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अब इसी क्वेश्चन में एक फॉर्मूला दे रखा है, म्यू इज इक्वल टू 0.3 एस अपॉन 1 प्लस एस, यहाँ इसको लिख लिया। अब रिमाइंड करेंगे अगर हम तो हमें एक फॉर्मूला याद आएगा, वो होगा म्यू इज इक्वल टू म्यू मैक्स एस के एस अपॉन एस। ये फॉर्मूला जो है स्टेडी स्टेट कंडीशन में जो है वो यूज होता है। अब अगर इन दोनों को कंपेयर करो तो आपको म्यू मैक्स की वैल्यू मिल जाएगी 0.3, के एस की वैल्यू मिल जाएगी 1, एस की वैल्यू हमको निकालनी है, और स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन स्टेडी स्टेट कंडीशन में ही हमको मालूम है कि स्पेसिफिक ग्रोथ रेट की जो वैल्यू होती है वो डाइल्यूशन रेट के बराबर होती है। अब वॉल्यूम ऊपर कहीं नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन अगर क्वेश्चन के साथ जो डायग्राम दिया गया है उसमें देखें हम ध्यान से, तो वॉल्यूम दे रखा है 3 लीटर, फ्लो रेट दे रखा है 5 लीटर। म्यू निकालने के लिए हमें डाइल्यूशन रेट पता होनी चाहिए, और डाइल्यूशन रेट निकालने के लिए दो चीजें पता होनी चाहिए, फ्लो रेट अपॉन वॉल्यूम, ठीक। तो फ्लो रेट दे रखा है 300 फ्लो रेट दे रखा है 5 ml/min। आपको आर में निकालना है इसको, है ना। तो 5 ml/min दे रखा है, 1 मिनट में 5 ml, है ना। तो 60 मिनट में कितने निकलेंगे, 1 घंटे के हिसाब से निकालेंगे आप, तो 60 मिनट में कितने निकलेंगे, 300 ml/h निकलेगा। तो फ्लो रेट कितना हो गया, 300 ml/h हो गया अल्टीमेटली। वॉल्यूम अगर 3 लीटर दे रखा है, ml में चेंज किया कितना होगा, 3000 ml होगा। अब हम डाइल्यूशन रेट निकाल सकते हैं F अपॉन B करके, तो 300 अपॉन 3000 हो जाएगा, जो कि आएगा 0.1 आर इनवर्स। ओके, अब D की वैल्यू हमें मिल गई 0.1 आर, जो कि बराबर होगी हमारे स्पेसिफिक ग्रोथ रेट के। अब स्पेसिफिक ग्रोथ रेट के बराबर D की वैल्यू है, तो हम इस फॉर्मूले में म्यू की वैल्यू कितनी रख देंगे, 0.1 रख दिया। 0.1 इंटू इज इक्वल टू 0.3 एस 1 प्लस एस। अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.1 1 प्लस एस इज इक्वल टू 0.3 एस, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एस इज इक्वल टू आएगा 1/2। एस इज इक्वल टू 1/2 की वैल्यू हो जाएगी एस इज इक्वल टू 0.5, जो कि किस में आंसर है, ग्राम पर लीटर में आंसर है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ग्रोथ प्रोफाइल ऑफ ई कोलाई ऑन ग्लूकोज प्लस लैक्टोज इज शोन बिलो, द स्पेसिफिक ग्रोथ रेट ऑफ सेकंड एक्सपोनेंशियल फेज इज। हम देख रहे हैं क्वेश्चन में कि यहाँ पे दो चीजें दी गई हैं फीड में, ग्लूकोज और लैक्टोज, और जब दो सबस्ट्रेट दिए जाते हैं तो वो कौन सी ग्रोथ कर्व होती है, डाइऑक्सिक ग्रोथ कर्व होती है। कौन सी? डाइऑक्सिक ग्रोथ कर्व होती है। मतलब यहाँ पे दो लैग फेज होंगे और दो लॉग फेज होंगे, पहला लॉग फेज ये है और दूसरा लॉग फेज ये है। अब अपने को ग्राफ दे रखा है एक्स वर्सेस टी का, मतलब बायोमास वर्सेस टी, ओडी वर्सेस टी का। तो क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है स्पेसिफिक ग्रोथ रेट ऑफ द सेकेंड एक्सपोनेंशियल फेज इज, सेकेंड एक्सपोनेंशियल फेज, तो पहला एक्सपोनेंशियल फेज ये है, सेकेंड एक्सपोनेंशियल फेज ये है। अब इसमें कोई भी दो पॉइंट आप ले सकते हो। अगर इस ग्राफ को देखो तो ये डिवाइडर है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और 2, इतने में डिवाइड है। ऐसे ही अगर आर्स का देखा जाए तो ये आर्स भी 5 में डिवाइड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19। अब अगर हम सेकेंड लॉग फेज के बारे में बात करें तो सेकेंड लॉग फेज हमारा शुरू हो रहा है ये 11 आवर्स से लेके 20 आवर तक, है ना। ये 11 से 20 तक टाइम है और ये लॉग फेज में बायोमास कंसंट्रेशन आप ले सकते हो 1.2 से 2 के बीच में। कोई भी दो पॉइंट उठाने अपने को, सपोज मैंने 1.6 लिया, 1.6 को मैंने कंसीडर किया एक्स नॉट, ठीक। अब मैंने इसका दूसरा पॉइंट लिया 1.8, ओके, 1.8 ले लिया, 1.6 लिया और दूसरा पॉइंट ले लिया मैंने 1.8, एक्सटी की वैल्यू 1.8 ले ली। अब एक्सटी 1.6 से 1.8 होने में कितना टाइम लग रहा है? ये 17 से 18, 17वें घंटे में, और फिर ये 18वें घंटे में, 17th आवर्स टू 18th आवर्स, मतलब 17 से 18 जाने में कितने घंटे जा रहे हैं? एक घंटा जा रहा है। मतलब एक्स नॉट की वैल्यू एक्सटी तक जाने में टोटल टाइम जो लग रहा है वो 1 आवर का लग रहा है। अब आपको इस फॉर्मूले में, ये फॉर्मूले में आप म्यू की वैल्यू निकाल सकते हो। अब क्योंकि पूछा वही गया है कि सेकेंड एक्सपोनेंशियल फेज में ग्रोथ रेट कितना होगा, तो अब आप म्यू की वैल्यू निकालने के लिए एक्सटी लॉग, एक्सटी कितना हुआ 1.8 अपॉन 1.6 इज इक्वल टू म्यू इंटू टी की वैल्यू कितनी है 1 आवर, है ना। अब लॉग 1.8 अपॉन 1.6 इज इक्वल टू म्यू इंटू 1, ये हो जा रहा है आपका, है ना। अब ln 1.8 अपॉन 1.6 निकालो, कितना हो जाएगा 1.8 अपॉन 1.6, कितना 1.125, ln 1.125 इज इक्वल टू म्यू। अब इसका ln ले लो, कितना आ जाएगा 0.11, ln की वैल्यू कितनी आ गई 0.11 जो कि म्यू के बराबर है। तो म्यू की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, म्यू की वैल्यू अपने आप आ जाएगी 0.11 आर। समझ में आ गया? फिर से एक बार देख लो, ये ln का ये फॉर्मूला है, ln का ये फॉर्मूला है। हमने xt कितना लिया था, xt लिया था 1.8, एक्स नॉट कौन से पॉइंट को लिया था 1.6 वाले पॉइंट को लिया था, टी की वैल्यू 1.6 से 1.8 आने में कितनी लग रही थी, ग्राफ देख के 1 आवर लग रही थी, है ना। अब इसमें ये वैल्यू रखो ln 1.8 अपॉन 1.6 इज इक्वल टू म्यू इंटू टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 आवर, है ना। अब एल एन 1.8 टू 1.6 कितना आ रहा था, ये आ जाएगा 1.125, है ना। और म्यू इंटू 1 कितना हो जाएगा, म्यू हो जाएगा। अब ln 1.125 की वैल्यू आ जाएगी 0.117 इज इक्वल टू म्यू, और यही तो म्यू ही तो मांगा है, सेकेंड एक्सपोनेंशियल फेज के लिए म्यू की ही तो वैल्यू मांगी है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो फिनिश हो जाएगी। ऐसे ही कई सारे पीवाईक्यूज जो हैं आपको मिल जाएंगे। अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन देखोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो नंबर ऑफ जनरेशन, जनरेशन टाइम, डबलिंग टाइम पे है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन एमओआई पे हैं, मल्टीप्लिसिटी ऑफ इन्फेक्शन पे, कुछ जो है सीएफयू पे हैं। आपको बस ये है कि दिमाग में सारे फॉर्मूले होने चाहिए, सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। कुछ वैल्यू डाइल्यूशन रेट पे है, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट पे है। तो अगर आपको फॉर्मूला याद रहा तो आपको रिकॉल करके सॉल्व करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है, एक ऐप है गेट कैलकुलेटर करके, एक ऐप आएगा, आपको वो ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको एकदम रियल टाइम ये ऐप मिल जाएगा। जैसा आपको वहाँ पे गेट के एग्जाम में कैलकुलेटर मिलता है वैसा यहाँ पे कैलकुलेटर मिल जाएगा। उसकी प्रैक्टिस करिए, आप कई बार क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम उस कैलकुलेटर की प्रैक्टिस कीजिए, लॉग निकालने के लिए, कॉम्बिनेशन निकालने के लिए, नेचुरल लॉग निकालने के लिए, पावर यूज करने के लिए, 10 के पावर 2 की पावर 3 क्यूब, ये सारे स्क्वायर क्यूब ये सब निकालने की प्रैक्टिस कीजिए। कन्वर्जन आपको आना चाहिए कि यूनिट एमएल में है, माइक्रोलीटर में है, लीटर में है, तो उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, 1 लीटर में 10 पावर 6 माइक्रोलीटर्स होते हैं। तो ये सारी चीजें जब आपको याद होंगी तो आप इजीली कन्वर्ट कर पाओगे। टाइम देखो, आप जब भी क्वेश्चन मिले तो आप देखो कि जितने वहां पे कुछ आवर्स में दे रखे हैं पैरामीटर्स, कुछ मिनट्स में दे रखे हैं, उनको आप इक्वलाइज करो। मिनट या तो सबको मिनट में कन्वर्ट कर दो या तो सबको आवर में कन्वर्ट कर दो। बेसिकली आप जब क्वेश्चन में देखोगे कि किस फॉर्म में मांगा है ना, किस फॉर्म में मांगा गया है आपसे। जैसे यहाँ पे ग्राम पर लीटर में मांगा गया है, तो आपको जो भी चीजें हैं उन सबको ग्राम के हिसाब से लेके आना होगा। अगर यहाँ पे जैसे ये वाला क्वेश्चन है सेल्स पर एमएल, यहाँ पे एमएल में दे रखा है, यहाँ पे 0.5 ml में दे रखा है, तो यहाँ पे ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज यहाँ पे माइक्रो लीटर में दे रखी हो और कुछ एमएल में दे रखा हो, तो पहला काम आपको करना होगा कि सारी चीजों को पहले एमएल या माइक्रोलीटर के फॉर्म में लेके आना होगा। यूनिट जो है वो थ्रू आउट सेम होने चाहिए, फिर आपके क्वेश्चन जो है वो एकदम सही से जो है वो सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।